हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि किसी की शराब की लत से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शराब पीता है जिसकी आदत आप छुड़वाना चाहते हैं, शराब पीने की लत अगर किसी को लग चुकी है, उस लत को आप छुड़वाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ऐसी दवा बताऊंगी, सिर्फ एक ऐसी चीज बताऊंगी जो एक ही इस्तेमाल से उस व्यक्ति की शराब छुड़वाने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ, एक ही इस्तेमाल से, पहले इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि वो व्यक्ति शराब से नफरत करने लगेगा। तो बहुत ही इफेक्टिव है, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप सच में किसी की शराब छुड़वाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आपके साथ में पूरी प्रोसेस शेयर करती हूँ, क्या है वो दवा, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, और लास्ट में इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखना पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो मैं आप लोगों के साथ में दवा शेयर कर रही हूँ, इससे संबंधित मैंने कुछ और वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको प्रॉपर लिंक शो होते जा रहे हैं। आप इन वीडियोस पर भी जाकर शराब छुड़ाने की या फिर किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने की वीडियोस देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है ये है एक ऐसे बीज पर, ठीक है। अब वो बीज है जिसे कहा जाता है जमाल गोटा। जी हाँ, जमाल गोटे का बीज, आपने सुना होगा ये जमाल गोटे का इस्तेमाल नॉर्मली किसी को कब्जियत वगैरह होती है या फिर दस्त लगवाने के काम में आता है, ठीक है। मोस्टली इसका इस्तेमाल पेट साफ करने में ही किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल करना है हमें किसी की भी शराब छुड़ाने के लिए। अब इसमें आपको पूरी चीज ध्यान से सुननी होगी कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जमाल गोटा ले आना है। अब जमाल गोटा कहाँ मिलेगा, तो ये आप किसी भी पंसारी की दुकान से ला सकते हैं, जो बड़ी पंसारी की दुकान होती है वहां पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको वहां नहीं, आप लेने नहीं जा सकते, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कहाँ मिलेगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आपको जमाल गोटा ले लेना है। अब जमाल गोटा अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो ही अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है या फिर जो भी व्यक्ति जिसके आप शराब छुड़वाना चाहते हैं, उसे आपको इसकी आधा बीज देना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सिर्फ आधा बीज देना है। दिखने में ये जो जमाल गोटा होता है ये कुछ इस तरह का होता है, मतलब ये जो मूंगफली के दाने होते हैं ये उस समान दिखता है, तो इसलिए अगर आप इसे लेकर आते हैं तो छुपा कर रखें, जो घर के दूसरे हमारे किचन के डब्बे होते हैं उनसे इसे दूर रखें, नहीं तो खाने में आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ले लेना है इसका एक बीज, ठीक है। जमाल गोटे का एक बीज आपको ले लेना है, एक बीज में से दो टुकड़े करना है, ठीक है। आपको पूरा एक बीज नहीं देना है, आधा बीज उस व्यक्ति को आपको सेवन कराना है। अब कैसे सेवन कराना है, जैसे ही वो व्यक्ति शराब पीकर आता है, ठीक है, आपको इसका आधा बीज उसके कोई भी खाने की चीज में डाल देना है, ठीक है। वो मान लीजिए खाना खा रहा है तो उसकी सब्जी में डाल दीजिए, इतनी सब्जी उसे फर्स्ट टाइम में दे कि वो पूरी खत्म कर ले, ठीक है। पूरी एक बार में वो सब्जी खत्म हो जाए उतनी आप उसे सब्जी दे, और उसमें इसका आधा बीज आपको बिल्कुल बारीक पाउडर करके डाल देना है। ये टेस्टलेस होता है, आप अगर इसे सब्जी में डाल भी देंगे तो उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो सब्जी नहीं खाते हैं तो आप इसका बिल्कुल महीन चूर्ण करके आप उसे उसके दूध में या फिर चाय में भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि ये दिखे ना। हमें इस तरह से देना है कि ये चीज उसे दिखे ना। अब जैसे ही वो व्यक्ति इसका सेवन कर लेगा, उसके तुरंत आधे घंटे बाद, ठीक है, आधे घंटे में ही ये असर दिखाना शुरू करेगा, आधे घंटे में ही उसे दस्त लगेंगे, ठीक है। जब उसे दस्त लगते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसे बस बताना नहीं है कि आपने उसे कुछ दिया है जिसकी वजह से उसे दस्त लग रहे हैं। बस आप उसे दस्त लग रहे हैं तो आप उसे जो भी जैसे टेकल करते हैं उस तरह से टेकल कर लीजिए। अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो आप बेशक उन्हें जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो जब दस्त वगैरह लग जाएंगे तो वो पहले ही बार में ही उनकी हालत पतली हो जाएगी, ठीक है।
एक दो दिन तक तो वो घर के बाहर ही नहीं जाएंगे, ऐसे ही उनकी मतलब वीकनेस आ जाती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस बीच का जब हम इस्तेमाल करते हैं शराब पी की आदत छुड़वाने के लिए, तो एक चीज का आपको माइंडसेट रखना है कि आपको हिम्मत रखनी है, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। कई लोग कहते हैं कि जमाल गोटा नुकसानदायक होता है, नुकसान करता है, पता है, पर जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। ठीक है, उसी तरह से उस शराब जैसे स्लो पॉइजन को हमको आदत छुड़वाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसका जो असर है वो इतना खतरनाक नहीं होगा जितना शराब का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब वो अगर डॉक्टर के पास भी जाए, दस्त भी लगते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, आप उन्हें जाने दें। ठीक, अब आप देखेंगे एक जो आप उसे आधा जो बीज हमने एक बार दिया है उसे, उसका असर एक से दो दिन उसे लगभग रहेगा। दो दिन बाद अगर वो फिर से पीता है, ठीक है, दो दिन तक, एक बार आपने उसे दे दिया, फिर दो दिन तक नहीं देना है। ठीक है, जब वो फिर से पी के आता है फिर आपको दे देना है। फिर आपको उसे एक बार, जब आप उसे फिर से दोबारा देंगे, फिर उसे दस्त लगेंगे, तब आपको उसको थोड़ा सा एक नॉर्मली कहना है कि यार जब जब तुम शराब पी के आ रहे हो तब तक तुम्हें दस्त लग रही है। ऐसा तो नहीं कि शराब की वजह से दस्त लग रही है। हो सकता है पहली बार में वो व्यक्ति आपकी बात ना माने, बिल्कुल आपको नकार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो है वो है। ठीक है, बिल्कुल उसको नॉर्मली छोड़ देना है। बस आपको एक, वो कहते हैं ना कि बीज बो देना है। ठीक है, उसके दिमाग में एक चीज डाल देना है कि शराब से तुम्हें दस्त लग रही है। ठीक है, मतलब एक तरह से माइंड गेम खेल रहे हैं। ये जो जमाल गोटा है ये कोई दवाई नहीं है शराब छुड़ाने की, ये सिर्फ एक हम माइंड गेम खेल रहे हैं उसके साथ में, जमाल गोटे से। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आप वीडियो पूरा देखें तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी, स्किप किए बिना देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको उसके दिमाग में बस आपने एक बार बात डाल दी, उसको मानना ना मानना उसके ऊपर है। ठीक है, बस आप हिम्मत रखें, उसको दस्त भी लग रही है ना, तो आप हिम्मत रखें, कोई बात नहीं, उसे ORS का घोल देते रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाते रहें, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फिर वो अगली बार दो दिन तक फिर आपको नहीं देना है। अगर वो फिर से पी के आता है तो आपको फिर से उसका आधा बीज उसको दे देना है। ठीक है, फिर आपको थोड़ी उसको जो तीसरी बार आप देंगे तब फिर से उसे दस्त लगेंगे, तो आपको थोड़ा सा फोर्सफुली कहना है कि मैं कह रही थी पिछली बार आपने शराब पी थी तब आपको दस्त लगी थी, इस बार फिर आपने पी है फिर से दस्त लगी है, एक बार शराब छोड़ के देखो, देखो आपको दस्त नहीं लगे। हो सकता है कई लोगों को सूट होती है, तुम्हारे शरीर को अब ये शराब सूट नहीं हो रही है, इस वजह से इतनी वीकनेस आ गई है, इसलिए इतनी दस्ते लग रही है, ये है वो है, ऐसा करके उनको आपको थोड़ा डरा देना है। ठीक है, हो गया। अब आप उनके सामने हो सके तो एक दो कहानी भी पेश कर सकते हैं कि यार मेरी सहेली थी, उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ था, उसका पति भी पीता था, उसको भी दस्ते लगी और ऐसा ऐसा हुआ, उसने छोड़ दी, उसको दस्ते ही लगना बंद हो गई, आजकल की शराब खराब आ रही है, या ऐसा ऐसा करके कुछ भी आप उसको डराएं। ठीक है, तीसरी बार में भी अगर वो नहीं मानते हैं तो दो दिन फिर रुक जाएं, चौथी बार आप उसे फिर से दें और फिर से कहें कि अब मेरे कहने पर आपको शराब नहीं पीना है, थोड़े दिन छोड़ के देखो, दस्त नहीं लगे तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी लगती है तो फिर से पीने लगना, पर अगर नहीं लगती है तो शराब से फिर तौबा कर लेना। वो इंसान को एक बार दो बार तीन बार में समझ आ जाएगी ये चीज कि उसे शराब से ही दस्त लग रही है। ठीक है, वो खुद अब हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि इससे इतनी उसकी हालत खराब हो जाएगी कि वो खुद अंदर से डरने लगेगा कि यार शराब से ही मुझे हो रहा है, अंदर ही अंदर वो खुद भी घुटने लगेगा। ठीक है, अब वो खुद कोशिश करेगा कि वो शराब ना पिए। ठीक है, वो खुद शराब से डरेगा, कुछ दिनों तक तो वो शराब नहीं पिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको लगेगा कि उसने शराब छोड़ दी, पर आप ये ना समझें कि उसने पूरी तरह से छोड़ दी है। आप उन बीजों को संभाल के रखें क्योंकि हो सकता है कि वो जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो भविष्य में फिर कोशिश करे पीने की। आपको उस पर पूरा ध्यान रखना है लगभग दो महीनों तक। ठीक है, पूरा ध्यान रखना है, दो महीने तक अगर वो शराब नहीं पीता है तो फिर वो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएगा, पर अगर इस बीच में अगर फिर से वो कभी पी के आ जाए तो आप उसे फिर से आधा बीज दे दें और फिर उसको दस्त लगेगी, तब तो वो डैम श्योर हो जाएगा कि उसे शराब से ही दस्त लग रही है। ठीक है, तो वो खुद इस चीज से पीछा छोड़ देगा।
ठीक है। तो ये आपको पूरी मैंने प्रोसेस बता दी। इसमें आपको शरा हम जो जमाल गोटा यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ एक डराने का काम कर रहा है, ठीक है। ये कोई दवा नहीं है, शराब छुड़ाने का कोई इसमें नुस्खा नहीं है, ये एक डर पैदा करने का काम कर रहा है, ठीक है। आपको इससे डर पैदा करना है और बाकी आपको अपने दिमाग से खेलना है उस व्यक्ति से, ठीक है। अपना दिमाग चलाना है, हिम्मत रखना है। अगर उसे लगती है दस्त, लगने दे। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ORS घोल देते रहे, डॉक्टर के पास जाता है जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें दस्त इसलिए लगाना है कि उसके मन में डर पैदा हो कि शराब से दस्त लग रही है। ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई ये 100% इफेक्टिव है, 100% कारगर है। मैंने आपके साथ में इससे पहले भी इस वीडियो को शेयर किया था, ये नुस्खे को मैंने आपको बताया था, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है। जिनको उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक है, इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसके कॉमेंट बॉक्स को भी चेक करें कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा कारगर है ये उपाय, आप इसे जरूर अपनाएं। इसके साथ ही कई होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन भी मैंने आपके साथ में शेयर की है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप देख सकते हैं कौन सी मेडिसिन आती हैं शराब या किसी भी नशे को छुड़ाने की। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर डीएम कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। जहां तक मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सगे संबंधियों में, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।